इधर दूध डाल दिया है, कढ़ाई में गरम हो रहा है, इसका हम खोया बना के तैयार करेंगे। पहले इसको हम गाढ़ा करेंगे अच्छे से कम इसमें 20 से 25 मिनट लग जाएंगे इसको गाढ़ा होने में। इसको हम पहले गाढ़ा कर लेंगे। अभी 15 से 20 मिनट हो गया है, देखिए गाढ़ा हो गया है दूध। अभी हमें इसमें 5 मिनट और लगेगा, इसे हमें एकदम सुखा लेना है अच्छे से, खोया बना के तैयार करना है। अभी खोया बन के तैयार हो गया है, अब इसको हम गैस बंद कर देंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हमने खोया निकाल लिया है, अब इसमें थोड़ा लगा है, इससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे एक कटोरी, और उसी कटोरी में से लेके हम एक चम्मच पानी डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालना है हमें। और इसको हम मिक्स करेंगे ऐसे। अभी इसमें जो एक चम्मच पानी है उसी से अच्छे से चीनी मिक्स हो जाएगी और चाशनी बन जाएगी। अभी देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रही है, इसको हम चलाते जाएंगे ऐसे। अभी ये जो खोया लगा है इसमें ये चाशनी के साथ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। अभी देखिए चीनी पिघलने लगी है, अभी इसको हम थोड़ा चलाएंगे, पिघल गई है। अब इसमें हम ये खोया डालेंगे, जो हमने खोया अभी बनाया था इसको डाल देंगे। हम आज खोए की एकदम घर पे अच्छी मिठाई बना के तैयार करेंगे, वो भी घर की खोए से बना के स्वादिष्ट मिठाई एकदम खाने में, और घर का बनाया हुआ खोया है इसीलिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। देखिए थोड़ा सूखा हो गया है, अब इसमें से हम थोड़ा से निकाल के रख लेंगे, क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसीलिए हमें थोड़ा से पेस्ट निकाल के रख लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा रखेंगे, ये 2 से 3 चम्मच। अब इसको हम सुखा देंगे सारा। देखिए इकट्ठा होने लगी है, नीचे से भी छोड़ने लगी है, तो ये बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम अच्छे से 5 मिनट तक चलाएंगे, थोड़ा फैन के नीचे रख के इसको ठंडा कर लेंगे। पहले चला चला के ठंडी करके देखिए, जो हम मिठाई बना रहे थे उसका सारा खोया मिठाई जो मिक्स करके बनाए थे निकाल के ठंडा करके रख लिए हैं। अब हम चल रहे हैं, हाथ से बनाएंगे इसको। सबसे पहले हमें थोड़ा सा लेना है ऐसे, इसको गोल शेप करेंगे ऐसे, ऐसे गोल गोल बना के हम सारा रख लेंगे ऐसे प्लेट में, ऐसे रखते जाएंगे। ये सारी मिठाई बना के रख लिया है। अब हम इसमें नारियल का बुरादा लिए हैं, इसमें हम इसको ऐसे लगा देंगे थोड़ा से, तो हल्का से हाथ से ऐसे दबा देंगे जिससे अच्छे से चिपक जाए। हमने इसमें चाशनी कुछ भी नहीं ऐसे मिलाया है करके, जो ये अच्छे से चिपक जाए ऐसे, हमें थोड़ा इसको हाथ में लगा के चिपकाना पड़ेगा ऐसे। ऐसे लगा लगा के सारा हम रख लेंगे। ये सब में नारियल का बुरादा लगा के रख दिया है। अब जो हमने ये पेस्ट बनाया है इसको हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा इस पर रखेंगे, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो चम्मच से नहीं आ रहा है, इस पर अच्छे से सेट कर देंगे। अभी हमने सब पे डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा हम सब पे काजू बादाम लगा देंगे, ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब हम इसको दूसरे प्लेट में अच्छे से सेट कर देंगे। अभी हमने प्योर खोए की मिठाई बना के तैयार कर दिया है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ये मिठाई बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमने घर पे बनाई है, कितनी अच्छी लग रही देखने में, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है।